Radio Jungle. आगरा में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर प्रत्याशी में जोश दिखाई दे रहा है। सभी प्रत्याशी अपना प्रचार जोर शोर के साथ करते नजर आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनपद आगरा के ब्लॉक बरौली अहिर के वार्ड नंबर 11 के जिला पंचायत सदस्य पद के बीजेपी के उम्मीदवार राधेश्याम कुशवाहा की। राधेश्याम कुशवाहा ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया। लोगों ने स्वाप और फूलमाला पहनाकर राधेश्याम का स्वागत किया। जिला पंचायत प्रत्याशी राधेश्याम कुशवाहा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आपके क्षेत्र के हर छोटे बड़े कार्यों को कराने का प्रयास करूंगा। उन्होंने बताया है कि मुझे जनता के बीच सर्व समाज से समर्थन मिल रहा है। जनता ने भी उनको भरोसा दिलाया है कि हम राधेश्याम जी का पूरा समर्थन करेंगे और उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बाइक सिटी न्यूज से संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट आगरा से। वार्ड नंबर 11 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और मुझे तो सभी जातों का इतना समर्थन मिल रहा है। गोईदार समाज, ठाकुर समाज, राजपूत समाज और प्रजापति समाज, लोधी समाज, सारी जितनी भी समाज है और मेरी कुशवाहा समाज, दिवाकर समाज, महावर समाज, सभी जातों का जातियों का समर्थन मिला है। और मैं तो यही अपने मन में सोच रहा हूँ कि प्रमाण पत्र बाकी रह गए तो प्रमाण पत्र लेकर 11 नंबर के आदमी की सेवा करके शुरू करूँ। आज आपके समर्थन में डॉक्टर विधायक जी पहुँचे हैं, जी हाँ, कैसा लग रहा है और किस तरीके का फीडबैक जनता की तरफ से मिल रहा है? तो डॉक्टर साहब मेरे समर्थन में आए हैं तो पूरी ठाकुर समाज 90% या 100% मेरे समर्थन में। डॉक्टर साहब ने बात नहीं करते निवेदन किए कि ये वोट माँ साहब को नहीं दिया जा रहा है, मुझे दिया जा रहा है और मैं सेवा साथ में मिलकर करूँगा, इसलिए सारी समाज ने वोट मुझे दें और मेरे साथ उनकी बात को मान के केंद्रीय चुनाव चिन्ह करें जिससे स्टेपनी बन के काम एक बढ़िया। आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ऐसी कौन सी जन समस्या है अगर चुने गए तो आप सबसे पहले काम करें? मेरी समस्या एक ही है कि रोड बढ़िया होनी चाहिए, किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, गौशाला खुलवा को जाते रात में कोई किसान जगे नहीं और पानी की समस्या सब समाधान। कैसा वार्ड नंबर 11 में जब राजनीतिक क्षेत्र में जाति समीकरण की बात की जाती है उसको देखते हुए वार्ड नंबर 11 से राधेश्याम कुशवाहा जी भारी बहुमत विजयी हो रहे हैं। पार्टी ने भी बड़ा सोच समझ प्रत्याशी उतारा है, समर्थन दिया उसको और जो भाजपा की छवि लोगों के दिमाग में बनी हुई है वो ही छवि इस समय कहते हैं राधेश्याम कुशवाहा जी के लिए लोगों में बनी हुई है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ भारी समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग का वोट मिल रहा है इनको, कोई संदेह नहीं है इसमें। राधेश्याम जी अच्छे मतों से वार्ड नंबर 11 भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अपने जितने वरिष्ठ नेता हैं जो जिनको चुनाव का अनुभव है सभी लोगों को अपने अपने एक एक क्षेत्र दिया हुआ है उन्होंने और जो पुरानी रणनीति के हिसाब से जो चुनाव लड़ा जाता है उस रणनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पर्यवेक्षक भेजे हैं या कहते हैं प्रभारी भेजे हैं उनको पूरी रणनीति के साथ भेजा है और एक व्यक्ति अपने मन से मनोवेग से पूरे मन मनोवेग से आगामी 2022 को देखते हुए चुनाव लड़ूंगे अपना निश्चित रूप से कहते हैं, कहीं पर संदेह नहीं है। हमारा प्रत्याशी राधेश्याम कुशवाहा चुनाव के केस की भारी सेमीफाइनल माना जाए 2022 बिल्कुल ये चुनाव जो है आगे की दिशा और दशा को तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों में से 51 सीट जीतने जा रही है, इसके सामने कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हर जाति धर्म और वर्ग का हर जाति का लोग हर धर्म का लोग हमारे साथ है। 11 नंबर वार्ड है राधेश्याम कुशवाहा प्रत्याशी, हर जाति का बड़ा बोल हमें तो कोई है नहीं, तो हमें तो लग रहा है कि हम 51 सीट जीते जा रहे हैं।
कल उसमें आजामी में मैंने सभा की थी, पच्चीस नंबर पर भी मैंने सभा की थी, डुबरा में सभा की थी, पूरे दिन में ऊपर जा रहा हूँ हमारी काल पर वहाँ कर जिला पंचायत वार्ड नंबर 11 में आप अपनी कैमरे को घुमा कर देखें लोगों में कितना जोश है, और केवल डॉक्टर साहब की चाह थी कि डॉक्टर साहब को लाया जाए तो पार्टी ने स्पेशल तौर पर इनको भेजा है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर गदगद हैं। तो आप माहौल देख के बता सकते हैं कि कोई टक्कर नहीं है यहाँ, एक तरफा जीत हमारी और लगभग राधे श्याम पुष्पाजी हमारे 11 वार्ड से विजयी प्रतीत हो रहे हैं। इंद्र भैया पर क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, हमारी पार्टी जीत रहे हैं राधे श्याम बहुत अच्छी वोट मतों से, हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, पार्टी ने हमला किया मान्य है हमारा, हम राधे श्याम कुशवा जी का सहयोग कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के हाँ क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे ठाकुर समाज में जाट समाज में पूरे जी जान से लग रहे हैं, तन मन धन से पूरे तार ठोक रहे हैं, हमारा कोई किसी मतलब मुकाम नहीं, हमारे यहाँ कोई टिक नहीं रहा। सही बात है, हमारे प्रत्याशियों के बारे में पता कर देना, यदि हमारे हाथ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी आती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में जिला पंचायत की कुर्सी आती है, तो ये जो खेल चल रही है ना, पहले वो भय हो फिर बात बात में बुक कर गया, फिर बात बात में हाथ जोड़ के